नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ऑल अबाउट कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं थंडाई, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में सारी जो चीज़ें होती है उन्हीं से मैंने ये रेसिपी बनाई है, गर्मी में राहत देने वाली है। ये थंडाई बनाने का सब सामान है। तो सबसे पहले हम ये जो सौंफ है इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। 2 चम्मच के करीब सौंफ लिया था। ये खरबूजे के बीच है 2 चम्मच, और ये है बादाम, इसको भी भिगो के मैंने छिलका उतार लिया है। ये काली मिर्ची है थोड़ी सी कुटी हुई, और ये किशमिश है 10 से 15। ये काजू है 8 से 10, और ये पिस्ता बारीक काटा हुआ, और इसके साथ है इलायची का पाउडर पीसा हुआ। ये देखो, ये आप देख सकते हैं इलायची और पिस्ते को। ये गुलाब की 2 से 3 गुलाब है, उनको मैंने इसको साफ करके पत्तियों को हटा लिया है। और ये चीनी और ये दूध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सौंफ को पानी सहित मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, और इसको भिगोने से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद हम चीनी डालेंगे इसमें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ली है। ये सभी सामानों को हमें मिक्सी के जार में डालना है। ये खरबूजे के बीज है 2 चम्मच के करीब, इनको भी इसमें डाल लेंगे। ये बादाम है, इनको भी हम इसमें डाल लेंगे। ये काजू, ये 1/2 चम्मच के करीब मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ। आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हो। ये किशमिश है 10 से 15, और इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अब इसमें हम ये ताजा गुलाब की पत्तियां डालेंगे, और थोड़ी सी पत्तियां हम डेकोरेशन के लिए बचा के रखेंगे। और इसको अब हम ब्लेंड करते हैं। ये ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको बड़े बर्तन में छलनी से इस तरीके से छानते हैं। धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसको धीरे धीरे करके छानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं चम्मच से हिलाते हुए, और इसमें मैंने पूरा दूध डाल दिया है, और इस अच्छी तरीके से इसको हमें छानना है। ये पूरा छन के तैयार हो गया, ये देखिए। और इसको अब हम, ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी हमने इसमें डाल दिया। और इसको अच्छी तरीके से छानना है, जैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये इसको अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया मैंने चम्मच से, और इसको हम साइड में कर देते। अब हम इसको सर्व करेंगे, और आप चाहें तो इन सभी चीजों को सूखा पीस के एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लें, और जब भी आपको ठंडाई बनानी हो 1/2 घंटे पहले इन सामग्रियों को भिगो दें और दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो हम प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने एक ग्लास और एक जार लिया है, इसमें थोड़े से आइस के टुकड़े डाल देती हूँ मैं इसमें, और गुलाब की पत्तियां डाल दी है मैंने इसके अंदर। और इसको आप जब पिएंगे तो आप सारे शरबत पीना भूल जाएंगे। एक बार इसको जरूर पीजिए, और इसको बनाना कितना आसान है आपने देखा है। और सभी चीजें
घर में आराम से किचन में मिल जाती है। ये देखो इसको अब हम सर्व करते हैं। और ये हमारी बादाम विथ गुलाब की थंडाई तैयार हो गई है। इसको एक बार जरूर ट्राई करना है आपको। इसके बाद हम क्या करते हैं, इलायची और जो पिस्ता है उसको ऊपर से इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इलायची को पीसते समय भी डाल सकते हैं। ये मैंने काजू और ये ऊपर से डाला है और ये ठंडी ठंडी ठंडाई ये बन के तैयार है। आपको ये ठंडाई पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ठंडाई को एंजॉय कीजिए। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बन के तैयार हो गई है। ये देखिए। धन्यवाद।